फिरोजाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। प्रमुख उद्योगपति संजय मित्तल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके कब्जे से असलाह और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। उद्योगपति संजय मित्तल अपहरण कांड में पुलिस ने दो और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस की माने तो दोनों आरोपी मुख्य आरोपी हैं, जिसमें बॉक्सर बिक्की उर्फ बॉक्सर मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्तों द्वारा 5 करोड़ की सुपारी लिए जाने की बात स्वीकार की गई है। पुलिस का मानना है कि बिक्की ने कहा है कि वह संजय मित्तल की गिरफ्तारी अपहरण करने के बाद उनसे 5 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस की सख्त कार्रवाई के तहत उन्हें छोड़ना पड़ा। और बिक्की पर पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। आगरा से वांटेड चल रहे बिक्की पर आईजी जॉन आगरा ने 15,000 रुपये देने की बात कही है, और साथ ही पुलिस टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। मामला संदर्भ मना कर रहा है, उसके कुछ पता नहीं मारा भी है। पाँच करोड़ की बात थी, 1.5 करोड़ की फाइनल हुई थी, तब तक पुलिस ने घेर लिया। इसमें उस्मान की क्या भूमिका थी? उस्मान ने गाड़ी रुकवाई थी, उसमें डाल करके हम 4 लोग थे, लेके चले। उस्मान भी साथ आगे जाके अरेस्ट हो गए थे। उस्मान तो ये ग्रो केवल फिरोजाबाद में काम करता है कि आसपास के अन्य जनपदों में? फिरोजाबाद में पहला केस है। अच्छा, पहले ही था। चलो उत्तर प्रदेश पुलिस के फिरोजाबाद पुलिस टीम की इकाई ने हमारे जनपद में प्रमुख व्यापारी श्री संजय मित्तल के अपहरण के मामले के मुख्य सरगना बिक्की उर्फ बॉक्सर उर्फ भानु प्रताप सबिता और उसके एक कुख्यात साथी को कल मध्यरात्रि में गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल हैं। इन पे 15,000 का इनाम पहले से है। इनको गिरफ्तार करके हमने सफलता पाई है। आपको बताना चाहूँगा कि कल जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि बिक्की बॉक्सर और उसका गैंग एक और घटना कारित करने के लिए टुंडला स्टेशन के आसपास घूम रहा है। इस सूचना को मैंने अपने सर्विलांस प्रभारी को और अन्य थानों की फोर्स को बताया। व्यापारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता रखते हुए तत्काल इस पर कार्यवाही की गई, घेराबंदी की गई। यद्यपि ये रेल की पटरियों पर भागते रहे, लेकिन इनको घेर करके हमारी टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसे पूरी तरह से साबित हो गया कि इन्होंने बड़े ही दुर्दांत रवैये से व्यापारी श्री संजय मित्तल जी का अपहरण किया था। इनके कब्जे से व्यापारी की सिम कार्ड बरामद हुई है, जिससे इन्होंने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। यही नहीं, इन अपराधियों के कब्जे से व्यापारी मित्तल जी के विजिटिंग कार्ड, उनके ड्राइवर महेंद्रपाल उर्फ बबलू के ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बिक्की बॉक्सर से एक देसी पिस्टल 32 बोर और इसके साथी अमित चौधरी उर्फ कंजा उर्फ पंडित से एक देशी तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूसों के साथ बरामद किया गया है। आपको बताते चलें, इसके अलावा अभी भी 3 कुख्यात अपराधी बाहर हैं जो हमारी रडार पे हैं, और हम उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस टीम से प्रसन्न होकर के आईजी महोदय ने 15,000 रुपये का इनाम गिरफ्तार करने वाली पार्टी को दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बड़े गैंग के टूटने से निश्चित रूप से व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और इस तरह की दुर्दांत वारदातों में कमी आएगी। सर, ये पहले भी वारदात कर चुके क्या? बिक्की बॉक्सर के पास करीब 12 बड़े अपराधों से ज़्यादा अपराध इसके नाम से दर्ज हैं। आगरा में 2015 में इसने डकैती डाली थी थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में। यही नहीं, इसका पहला अपराध ही मर्डर का अपराध है, जो इसके किसी एक सगे संबंधी की इसने हत्या की थी।
उसमें काफ़ी दिनों तक जेल में रहा, वहीं से इसका नेटवर्क बना था। ये सारी डिटेल्स खोजी जा रही हैं, अलीगढ़ में इसका परिवार रहता है और ये सारी घटनाएं वहीं से रिलेटेड हैं।